यहाँ पे अभी आपका टोल है जो कि मनाली और कुल्लू के बीच में आता है, जितनी भी बाहर की गाड़ी होंगी उन सभी का टोल कटेगा, लेकिन आपकी जितनी भी HP की गाड़ी है उनका टोल नहीं कटता है यहाँ पे। बाइक्स का तो आपको पता है दोस्तों, कहीं भी टोल नहीं कटता है आपके लिए। साइड में से जो रास्ता है आप बस वहाँ से निकलिए। अपना दूसरा बंदा साथी नहीं अनुराग भाई, इसने आज 4 दिन जो ड्राइव किया और ऊपर से R15, आपको पता है बाजू में बहुत दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द यार भाई। अभी आपको लग रहा होगा भाई स्टंट मार रहा है, पर इस टाइम आप देख रहे हैं अभी भाई बाजू ही ला रहा है, भाई की बाजू इस टाइम दर्द भी बहुत ज़्यादा भाई, क्या करें यार भाई। और आपके लिए तो करना पड़ेगा नहीं, वीडियो आपको दिखानी है तो फिर हमें घूमना तो पड़ेगा। चलो दोस्तों चलते हैं इसी के साथ फिर आगे। दोस्तों पहुंच चुके हैं अभी हम कुल्लू बाईपास पे जो कि सीधा भूंतर जाता है। भाई क्या मस्त जगह बनाई है कुल्लू बाईपास, BRO ने क्या रोड बनाया भाई, मनाली से ले के लिए मजा आ गया भाई ट्रिप का भी कसम से, इतना मस्त रोड लिया भाई इस हाईवे के साथ, इस व्यू का मजा ना कसम से अलग किया, अलग किया है मोटे मजा आ रहा है। और ये अपना देखो दूसरा भाई, ये तो मान नहीं रहा यहाँ पे, तो बोल रहा है भाई यार टॉप स्पीड लगा ही देंगे यार R15 की फुल लोड में। तो भाई हैट्स ऑफ है BRO को, आपको पता है इन पहाड़ों में इतनी बढ़िया सड़क बनाना आपको पता है कितना मुश्किल और कितना खर्च होता है इसके लिए। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अभी हम भूंतर और ये खड्डे हो भाई बच गए भाई। तो जब भी हम कुल्लू आते हैं और जैसे ये ब्रिज का नज़ारा आता है ना कसम से मज़ा आ जाता है ब्रिज क्रॉस करने का भाई, क्या मज़ा है ब्रिज देखो यार दोस्तों, कितना मस्त लग रहा है व्यू। और ये आ गया हमारा दूसरा साथी भी आ गया है भाई, यही नहीं मान रहा राइडर, डेविल डेविल बॉय है भाई ये। तो दोस्तों पहले हम जा रहे थे घर, लेकिन अभी हमारा प्लान चेंज हो चुका है और अब हम जा रहे हैं यहाँ से मणिकर्ण के लिए। आज शाम को हम वहीं गुरुद्वारा में स्टे करेंगे। तो दोस्तों कसोल देखो फिर से ट्रैफिक आ गया, कसम से मैं तो परेशान हो गया हूँ ट्रैफिक से, 4 दिन ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। पर भाई पहाड़ों में जो सड़कों का व्यू है ना यार भाई, क्या मस्त पहाड़ लग रहे हैं उधर देखो, कसम से मज़ा आ जा रहा है मुझे तो, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, क्या व्यू है, पत्थर देखो यार दोस्तों कितनी खतरनाक कटिंग कर रखी है। तो दोस्तों जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हुआ और अभी सड़क खाली हो चुकी है पूरी, वैसे हमारी बाइक की स्पीड बढ़ चुकी है और हम जा रहे हैं और भी तेज़ी से मणिकर्ण की तरफ फुल स्पीड में दोस्तों। पर कसम से जो मज़ा यहाँ पे व्यू का है ना वो कहीं नहीं आता यार दोस्तों, तभी तो पूरी दुनिया यहीं घूमने आती है। तो दोस्तों ऐसे बंदे आपकी जर्नी को ख़राब कर सकते हैं, तो हमेशा अपनी नज़र हाईवे पे रखें, व्यू के चक्कर में इधर उधर ना लें। और चलो सड़क पर तो छोटे मोटे सीन होते रहते हैं, आप व्यू का मज़ा लो दोस्तों यार कसम से, क्या व्यू है इन पहाड़ों का कसम से यार, मज़ा आ गया। मेरा तो दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, आज हम फिर से मणिकर्ण चल पड़े, वैसे तो हम घर जा रहे थे लेकिन दिल नहीं किया घर जाने का और हम यहाँ से आज फिर मणिकर्ण जा रहे हैं। एक रात हम वहाँ रुकेंगे और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम फिर घर के। तो दोस्तों अभी पहुँचे हैं हम जरी और यहाँ पे लगा है जाम यार, क्या करें कसम से, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलने में। तो
दोस्तों निकल गए हम जाम से। अभी आधी मार्केट हमने क्रॉस कर दी है और अभी बस ये एक मोड़ के बाद आपकी ये मार्केट ख़त्म हो जाएगी। तो भाई आराम से कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रैफिक फिर से ख़त्म हो गया और सड़क फिर से खाली हो गई है, पर भाई क्या व्यू देखने जा रही है। पार्वती वैली का व्यू भाई, बिल्कुल नीला पानी और क्या सीधी सड़क है। तो भाई देवदार का जंगल शुरू हो गया और देवदार के जंगल में यार भाई इतनी ठंड होती है, और वैसे भी अभी इस तरफ से इतनी ठंड है, परे धूप पड़ी है क्योंकि, और इधर तो आपको पता दोपहर के बाद शाम होगी, उसके बाद यहाँ पर धूप आई थी, तो भाई इतनी ठंड है, पर भाई क्या व्यू है, कसम से मज़ा ही आ रहा है। आप गर्मियों में भी आओगे तो आपको देवदार का जंगल भाई ठंडा ही मिलेगा, ठंडा बिल्कुल एकदम मस्त। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कसोल की मार्केट में। ये है दोस्तों कसोल की मार्केट, यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी लेकिन वो बहुत महंगी होती हैं। आपको जो कपड़े का स्टाफ मिलेगा भाई हर कुछ होता है बुलंद में, लेकिन भाई महंगा बहुत देते हैं यार कसोल में, क्या करना, सभी फॉरनर्स को माल बेचते हैं इसलिए हमें महंगा ही देते हैं भाई, क्या करना है यार यहाँ पर। ये रही भाई कसोल का पुल और आगे से जो ऊपर को जाती कसोल की मार्केट, और यहाँ से आपका लेफ्ट की साइड को है आपकी जो ब्रिज जाता है गांव से जाता है, वहाँ घूमने के लिए जगह पूरा एकदम पार्टी के साथ में यार बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों निकल चुके हैं अब हम कसोल से और अब हम मणिकर्ण, यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही दूर है आपका, ज़्यादा दूर नहीं, पर भाई क्या सड़क बनाई है सरकार के नहीं। तो दोस्तों अब हम मणिकर्ण पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब हम अपनी बाइक को पार्क करेंगे। तो भाई ये गुरुद्वारे की पार्किंग है जहाँ हमने अपनी बाइक पार्क की, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हैं, जितने भी लोग घूमने आते सब यहीं पे पार्किंग करते हैं अपनी गाड़ियों की। तो दोस्तों आ चुके हैं अब हम नीचे यहाँ पर गुरुद्वारे के मेन एंट्रेंस पे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं राज गुरुद्वार में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रूम 451 काफ़ी ऊपर हाइट पे है, पर यहाँ से दोस्तों क्या नज़ारा है देखो। तो भाई रात को आए हम दोबारा यहाँ पे पुल पे, तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करें दोस्तों ज़रूर। तब तक के लिए जय शंकर महाराज।